हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का जो ये ब्लॉग है खास होने वाला है, हावड़ा जंक्शन से हम लोग सीधे चलने वाले हैं न्यू टाइन इको पार्क। कैसे जाएंगे सब कुछ आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो फुल वीडियो देखिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर। चलिए मैं आपको बैक कमरे से लेकर चलता हूँ और दिखाने का कोशिश करता हूँ किस प्रकार से हम लोग चलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 15 के पास आपको आ जाना है। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर ये 15 है, और इसी के बाएं साइड में आपको मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेट्रो स्टेशन। आप देख सकते हैं 14 और 15 प्लेटफॉर्म नंबर है, और बाएं साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा मेट्रो स्टेशन। और इसी मेट्रो के माध्यम से हम लोग चलने वाले हैं न्यू टाउन, जो कि इको पार्क हम लोग जाएंगे। आपको पता भी होगा हावड़ा मेट्रो है ये, इससे आप नीचे चले आइएगा और हम चलते हैं हमारे माध्यम से। चलिए एस्केलेटर के माध्यम से हम लोग नीचे चलेंगे पहले, और वहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे कि कौन सी जो मेट्रो है वो डायरेक्ट इको पार्क साल्ट लेक 5 सेक्टर 5 जाती है या नहीं जाती है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो नीचे चलते हैं फटाफट। फाइनली यहाँ टिकट देख सकते हैं कि आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। हमारे पीछे बहुत सारा भीड़ लग चुका है, तो हम टिकट काउंटर से टिकट नहीं लेंगे। और यहाँ पर पूछने के बाद पता चला कि यहाँ से सिर्फ एस्प्लानेट जा सकते हैं, और एस्प्लानेट से आपको सियालदह जाना पड़ेगा, और सियालदह से मेट्रो पकड़ के आपको साल्ट लेक सेक्टर 5 जाना होगा। तो सबसे पहले हम टिकट ले लेते हैं ऑनलाइन, जो है लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हम खड़े हैं, और मेट्रो के माध्यम से सबसे पहले हम लोग चलेंगे सिंपल एस्प्लानेट, और वहाँ से हम बाई बस जाएंगे मतलब सियालदह, और सियालदह से डायरेक्ट मेट्रो के माध्यम से साल्ट लेक सेक्टर 5 यहाँ आ जाएंगे। तो ये साल्ट लेक सेक्टर 5 है। आप साल्ट लेक सेक्टर 5 उतरने के बाद यहाँ पर टेम्पू लगी हुई है, यहाँ से 200 रुपया मांग रहा है सब आज इको पार्क जाने के लिए। तो हम लोग चलेंगे बाई बस, देखते हैं बस हमें कहाँ से मिलती है। चलिए हम लोग बस का इंतज़ार करते हैं और ढूंढने का कोशिश करते हैं कि कहाँ से बस मिलती है। आप लोग को दिखाने का प्रयत्न करूँगा। चले जाइएगा वहाँ पर, ये देख सकते हैं कि साल्ट लेक सेक्टर 5 के नीचे मैं अभी खड़ा हूँ, और यहाँ से मैं फुट के माध्यम से ये जो फुटपाथ है सीधे चला जाऊँगा चौराहा पर, और वहाँ से बाई बस ले लूँगा। ये रास्ता आप देख सकते हैं सीधे आना है, एकदम सीधे आप आते हैं तो वहाँ पर आप खड़े हो जाइएगा और बस मिल जाएगी। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधे। तो यहाँ से मैं बाएं साइड आ जाता हूँ, विप्रो यहाँ पर लिखा हुआ है, विप्रो से आपको राइट साइड हो जाना है मतलब सीधे, और जब आगे बढ़ते हैं आप यहाँ से तो आपको अनेक लोग मतलब दिखाई देंगे, और यहाँ पर अनेकों जो टेम्पू वाले ऑटो वाले हैं आपको बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जाइएगा नहीं। आपको मात्र सस्ता से सस्ता 15 रुपया में आप इको पार्क जा सकते हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, कहाँ से बस मिलेगी वो भी आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप आ जाइएगा, जो कि ये चौराहा है, और इस चौराहे के पास आप खड़े हो जाइएगा, बस आएगी उधर से तो आप यहाँ पर रुकेगी, आप उससे पूछ लीजिएगा कि ये इको पार्क विरासत वाला रास्ता में जाएगी या नहीं जाएगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मात्र यहाँ से 15 रुपया प्राइस लगता है आपको इको पार्क का, तो आप बाई बस के माध्यम से बहुत ही कम पैसों में जा सकते हैं। देखिए ये बस में हम बैठ चुके हैं, और यहाँ से 15 रुपये भाड़ा दे करके हम लोग चले जाएंगे। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं विश्व बंगला गेट होते हुए, मतलब आपको विश्व बंगला गेट पार करेंगे तो आपको इको पार्क पहुँचा देगा। चलिए आप मेरे साथ इस रास्ते को इंजॉय कीजिए। Take the next left onto Biswa Bangla Sarani Major Arterial Road Southeast. कुछ ही दूरी के बाद आपको इको पार्क आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने इको पार्क
ये मेन गेट है, गेट नंबर 2 है, यहाँ से हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। तो आप भी बिल्कुल सस्ते प्राइस में आप यहाँ इको पार्क आ सकते हैं, और इसके अंदर का ब्लॉग को देखने के लिए हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।